सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 3 स्टॉक के रिव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं स्टॉक में। लेकिन उससे पहले हम लोग निफ्टी का ट्रेंड जरूर एक बार देखेंगे शॉर्ट में, उसके बाद हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए पहले निफ्टी का ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। निफ्टी आज ज़बरदस्त गिरावट के साथ लगभग 10,303 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स 463 या 464 पॉइंट टूट के 34,315 के पॉइंट पर आज बंद हुआ है। सो ये निफ्टी का चार्ट है हमारा टोटल। और अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करते हैं तो निफ्टी 10,300 के आसपास कहीं पर एक मेजर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, 10,300 के लेवल पर। और आज अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10,300 के लेवल को सस्टेन किया वीकली चार्ट पर। साथ ही अभी गिरावट की संभावना थमी नहीं है स्टिल, बिकॉज रीज़न इज दैट कि जिस तरह से सर्वे सामने आ रहा है 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, उसमें जो सी वोटर का जो सर्वे है, पोल है, उसमें कहते हैं कि लगभग तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो सी वोटर कांग्रेस के फेवर का चैनल है, इसीलिए उसने कांग्रेस के फेवर में ये जो भी सर्वे है वो दिया है। बट एक्चुअल में हम वेट कर रहे हैं कि चाणक्य जो सर्वे एजेंसी है उसका ऑलमोस्ट जो सर्वे रहता है वो एग्जैक्ट रहता है और काफ़ी नियर बाई रहता है। सो एक बार चाणक्य का सर्वे सामने आएगा तो उसके बाद क्लैरिटी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक स्टिल मार्केट के अंदर है, और जब इन तीनों ही राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उस वक्त का मार्केट इंतज़ार कर रहा है। अगर ये इलेक्शंस बीजेपी के अगेंस्ट चले गए देन डेफिनेटली मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है और उस वक्त 10,000 का स्तर टूट सकता है मार्केट में, ये संभावनाएँ बन रही हैं। बट फिलहाल अभी 10,300 के स्तर को टच करके क्या नेक्स्ट वीक, जो कि एक्सपायरी का हफ्ता है, यानी कि अगला बृहस्पतिवार थर्सडे 25th आई थिंक एक्सपायरी का वीक रहेगा, और एक्सपायरी वीक में क्या मंथ की क्लोजिंग होती है, मंथ की एंडिंग होती है, वो देखने वाली बात रहेगी। सो नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग जस्ट होल्ड कीजिएगा, बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी ट्रेंड का कोई इंडिकेशन नहीं आया। अभी किसी भी डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट कर सकता है, या तो एकदम से गिर सकता है, गिरता है तो 9,950 के लेवल पर एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, 9,950 के लेवल पर एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, और अगर वो लेवल टूटता है तो डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और वो लेवल तभी टूटेगा जब अगर तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार चली जाती है और बीजेपी उसमें हार जाती है, तब 9,950 का लेवल टूटने की पूरी संभावनाएँ बनेंगी। अदरवाइज़ अगर जीत जाती हैं देन आपको एक रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 3 स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा स्टील और ACG, जिसमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ACG ने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, और जिस तरह से आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओपनिंग हुई थी डेली चार्ट पे, एक गैप डाउन पैटर्न में आप देख सकते हैं कि आज कैंडल खुली है, ये एक तरीके का दोजी कैंडल बनाया है इसने। अबंडेंट की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, अबंडेंट कैंडल बनी है ये। अबंडेंट कैंडल मतलब जिसका प्रीवियस कैंडल के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। और यहाँ से दो बातें संभव हो सकती हैं, या तो गिरावट कंटिन्यूएशन में बन सकती है, ठीक है, और मार्केट का जो प्राइस हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लगभग 1000 या 975 के आसपास भी जा सकता है। बट चूँकि नंबर्स अच्छे पोस्ट किए और अभी डेल नेटवर्क और हाथवे केबल को कहीं ना कहीं एक्वायर करने के लिए बातचीत चल रही है और वो कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में बातचीत हो गई, तो वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री जो भी गीगा ऑप्टिकल फाइबर्स है उसमें काम और तेज़ी से बढ़ा पाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाला समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, बट फॉर फ्यू डेज़ के लिए इसमें एक जिगजैग मोशन रह सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि 1050 का लेवल 1040 के लेवल तक टच कर सकता है अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर मॉर्निंग में, अगर मंडे मॉर्निंग में और मंडे की जो क्लोजिंग आती है ये इसकी अपसाइड में आती है, तो ये एक तरीके का अबंडेंट बेबी बन जाएगा। अबंडेंट बेबी जब होता है कि जो प्रीवियस डे की कैंडल होती है वो और जो नेक्स्ट डे की कैंडल होती है उसका करंट डे की कैंडल से कोई मतलब नहीं होता है। अगर ये मंडे को गैप अप ओपनिंग देता है देन एक अच्छा बुलिशनेस आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। बट दोनों ही केस हो सकते हैं, गिरावट भी संभावित हो सकती है। सो टेक केयर कीजिएगा, शुरू का एक घंटा लगभग 11:30 तक आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्राइस मूवमेंट को चेक कीजिएगा। जल्दीबाजी में वो एकदम मार्केट ओपन होते ही बाइंग करने के लिए मत जुट जाइए,
थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को ओपन होने दीजिए, एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मोमेंटम क्या बन रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करता हूँ मैं, तो टाटा स्टील काफ़ी बेहतर लेवल मुझे नज़र आते हैं, 550 के रेंज के आसपास है स्टॉक, और मैक्सिमम मुझे लगता है इसका जो बड़ा सपोर्ट लेवल रहेगा वो लगभग 530-535 के आसपास है। और ये एक SIP का कैंडिडेट है, SIP इन द सेंस कि आप हर गिरावट पर, हर डिप पर 2-4% स्टॉक, हर 2% 1% 1.5% की गिरावट पर आप 10-5 स्टॉक को खरीद के SIP कर सकते हैं हर गिरावट पर। अगर 5:35 आता है देन आप कुछ खरीद सकते हैं, या 490-495 या 500 के आसपास भी आता है तब आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब आप टाटा स्टील के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ को और ऐड करके अपने प्राइस को एवरेज डाउन कर सकते हैं। बट ओवरऑल टाटा स्टील इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, यहाँ से आप मैक्सिमम 40-45 रुपए की गिरावट तक आप डिप देख सकते हैं, जो कि ये लेवल है, आपको जो ये लेवल दिखाई देता है लगभग 500-505 के आसपास का, और उसी लेवल के आसपास अगर ये आता है तो आपके लिए एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी लेके आएगा, आप टाटा स्टील में उसमें खरीदारी उस वक्त कर सकते हैं जब ये 500 का रेंज आपको इंडिकेशन देता है। बट ओवरऑल टाटा स्टील इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप लोग अगले 6-8 महीने साल भर के लिए इस स्टॉक को रख सकते हैं। फिलहाल मार्केट प्रेशर में है, वीकनेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मार्केट रिकवर भी होगा, जब मार्केट में तेजी आएगी देन आपको एक अच्छे रिटर्न्स भी डेफिनेटली मिलेंगे टाटा स्टील से। इसके अलावा तीसरा स्टॉक आता है ACC का। दोस्तों देखिए, ACC ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे, उसके बावजूद भी आज लगभग 7.5% की गिरावट के साथ ACC बंद हुआ है, और मुझे अभी ACC के अंदर लगभग 1300 तक का टारगेट नज़र आता है। 1300-1320 का लेवल जो होगा वो ACC का बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग का, अगर वो लेवल आपको मिलता है देन आप डेफिनेटली इसको खरीदिएगा, उससे पहले आप वेट कीजिएगा, मुझे फिलहाल रिवर्सल का कोई इंडिकेशन इतनी जल्दी नज़र नहीं आता। यहाँ पर आप देखेंगे ACC में एक अच्छा गैप मेंटेन्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है लगभग 23 जुलाई 2018 की, इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन 1310 की थी, और जो इसका हाई था वो 1319 का था, जबकि उसके नेक्स्ट डे की जो कैंडल है वो 1400 रुपये के प्राइस पे ओपन हुई थी, और उसका जो लो गया था वो भी 1400 ही था, मतलब वो एक मारुबोजू कैंडल बनी थी, बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी थी। इसके अलावा आज अगर आप देखेंगे एक गैप डाउन कैंडल बनी है, कल अच्छे प्राइस के बाद, अच्छे नंबर्स के बाद भी एक गैप डाउन कैंडल बनी, बिकॉज जो गैप है उसको एडजस्ट करना है और स्टॉक के प्राइस को अपने आप को कंसोलिडेट करना है, जो कि लगभग 1300-1310 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट होगा। अभी यहाँ से लगभग 100-120 पॉइंट की गिरावट स्टिल मुझे ACC के अंदर नज़र आती है, वीकनेस नज़र आती है, और आपको अगर ख़रीदना है ACC तो आप लोग 1300 रुपये का इंतज़ार कीजिए, वो लेवल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों ये हमने बात की स्टॉक रिव्यूज़ में निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, तीन स्टॉक के बारे में, तीनों स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं वो हमने जो आपको बताए उनको आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, प्राइस के फ्लक्चुएशन को नोटिस कर सकते हैं, और जैसे ही आपके प्राइस अवेलेबल होते हैं आप उनमें कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12-18 मंथ। सो फ्रेंड्स, ये हमने तीन स्टॉक के बारे में बात की, इनके बारे में आप लोग भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, कुछ आपके पास टिप्स हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी कुछ और नए स्टॉक के रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी दशहरा आप सभी को, और रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।